सबसे पहले तो मैं आप तमाम अदरान का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ लाए। आज बहुत ही अहम दिन है और पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन दिन है, क्योंकि एक ऐसा शख्स 74 साल में डिसक्वालीफाई होने जा रहा है, इवन के डिसक्वालीफाई हो चुका है और उसकी बुनियाद जो है वो मेरा केस जो 11वें महीने में 2016 में सुप्रीम कोर्ट में मैंने 621F के तहत मैंने दायर किया था, जिसमें मेरे वकला का नाम आप सब जानते हैं, शेख अकदम साहब और उनकी पूरी टीम ने, और वो जब पिटीशन मेरी खारिज हुई 2017 में 12वें महीने में, तो उसमें एक पैराग्राफ जो है वो डाल दिया गया और उस पैराग्राफ में ये कहा गया कि हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान किसी किस्म का तनाज़ा पैदा नहीं करना चाहते और ये इंस्टीट्यूशन का काम है, आप पहले वहाँ जाएं, वहाँ से फैसला लें, फिर हम इसको टेकअप करें। अगर आपने 621F का लेना है तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, फिर रेफरेंस बनाना हुकूमत का काम है, फिर हमारा काम है। तो कहने से मुराद ये है कि उसकी बुनियाद पर आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की में जो हम पिटीशन लेके गए थे, आज इमरान खान के झूठा होने पर मोहतसबत कर दी। मैं इससे पहले कि अपनी मजीद गुफ्तगू शुरू करूं और इस झूठे को बेनकाब करूं, मैं आज के उस साने के ऊपर अपने उन फौजी जवानों को, अफसरान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कौम के लिए कौमी फरीजा सर अंजाम देते हुए जाम शहादत दोष किया है। हमारे दिल आज गमसदा है और हम उनके सौगवान के साथ भरपूर दिली हमदर्दी का इजहार भी करते हैं और पूरी कौम अपने शहदा को अल्लाह ताला उनको अपने ज्वारे रहमत में जगह अता फरमाए, और यही सपूत हैं जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदों की हिफाजत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं मजम्मत करता हूँ PTI के सोशल मीडिया का, जो आज इस सानिया के ऊपर भी जो है मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो शायद गमजदा खानदानों के लिए बड़ी तकलीफ दे होगी। तो मैं उनको खबरदार भी करता हूँ और हुकूमत को कहता हूँ कि वो फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे होने वाली ऐसी वाहियात गुफ्तगू का भी तदारुक करें और उसके खिलाफ कानून अमल में आना चाहिए। जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि ये 2017 के अंदर जिंदगी के अंदर 35 साल सियासी जिंदगी के अंदर क्या हमने कभी इस्लाम के नाम पे नौजवान को लूटा, कभी तब्दीली के नाम पे लूटा? क्या वो शख्स आपका लीडर हो सकता है जो झूठ बोल रहा हो, जो खुद तो कह रहा हो कि आप आए और आकर तो लोगों के सामने मुकाबला करें, हुकूमत के सामने आंसू गैस खाएं और डंडे खाएं और खुद खैबर पख्तूनख्वा में छुप जाए? ये इतना दिलेर शख्स है, इसकी दिलेरी से हम वाकिफ हैं हवाले करने में। और अगर लंदन ने मांगा यानी बरतानिया ने मांगा तो बरतानिया के हवाले करने में, अभी UAE के अंदर भी फंड रेजिंग करना मना है, ममानत है इजाजत के बगैर। अब उस हुकूमत ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि हमारे मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, और फिर कितनी खूबसूरत बातें करते हैं इमरान खान साहब, बड़े क्या पता मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ गए। फिर जितने उनके ऑफिस के जो नीचे वाला तबका था, यानी उनका कोई पानी लाने वाला, उनका कोई अकाउंटेंट या उनका वहां काम करने वाला ऑफिस के अंदर उनके नाम पे अकाउंट्स खुले हुए थे, 16 बेनामी अकाउंट्स जिनका कोई नामो निशान नहीं था, जिन्होंने कभी इन्होंने जाहिर ही नहीं किए, 34 गैर मुल्की लोग जिन्होंने इनको फंड्स दिए, 350 कंपनीज जिन्होंने इनको फंडिंग की, और ये कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता शेख निहान ने $20 लाख दिया कि नहीं दिया, मुझे कैसे पता चल गया। कमीशन बताएगा कि इसने जो एफिडेविट दिया है, हमारा मकसद था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो एफिडेविट इसने इलेक्शन कमीशन में दिया है वो झूठा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन करें और उसके बाद जो है हम ये साथ। दूसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि ये स्क्रूटनी कमेटी जिसने ये सारा मवाद इकट्ठा किया, ये मैं वाजे कर दूँ, ये हमारी हुकूमत में नहीं बनी, ये PTI की हुकूमत में बनी। PTI की हुकूमत के अंदर FBR और स्टेट बैंक ने जो है वो सारा रिकॉर्ड दिया इनको, स्क्रूटनी कमेटी को, जब वजीर आजम इमरान खान थे, जब इमरान खान के कहने पे लोगों की माओ बहनों और बेटियों को अदालतों के अंदर और जेलों के अंदर घसीटा जाता था,
जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक जेल से दूसरी जेल के अंदर और मरियम नवाज साहिबा को तंगो तारीख फांसी की कोठियों के अंदर और शहबाज शरीफ साहब को कभी एक जेल कभी दूसरे मुकदमात में डाला जाता था, हमारे दूसरे कोलीग्स को डाला जाता था। जब रात 12 बजे सजाएं सुनाई जाती थी, जब 15 किलो हीरोइन रख दी जाती थी, उस वक्त ये केस चल रहा था और उस वक्त अदारों में इतनी मुदाखलत के बावजूद ये ऐसे अनमिट सबूत थे इमरान खान के खिलाफ के कोई ना मिटा सका। ये अल्लाह की शान है, कहते हैं कि उस वक्त तक इमरान खान साहब, आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप मदीने की रियासत के वाली की मट्टी के तिनके के बराबर नहीं है। और आप उन साहबा का अपने दोस्तों का मुकाबला करते हैं, शेख रशीद जैसा आदमी शख्स जो फाइनेंशियली भी और इखलाकी तौर पर गंदा तरीन शख्स है, उसके बारे में कहते हैं कि वो मदीने की रियासत का मेंबर है। ये शाह महमूद कुरैशी जैसा चंदा खोर शख्स, ये बाकी जितने लोग जिन्होंने अद्वियात का स्कैंडल किया, जिन्होंने एयरपोर्ट पे